सभी जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे, सभी सेवाधारी भी जो खड़े हैं सब बैठ जाएंगे। एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं। और जीवन में हर रोज जो दिन एक एक बीतता है उसको चेक करते हुए एक छोटी सी चीज का आज कारण ढूंढते हैं, कल के अपने दिन को देखते हैं। सारा दिन में कौन सी छोटी बड़ी ऐसी बातें आती हैं जिससे हमारी खुशी डिस्टर्ब हो जाती है, क्या होता है ऐसा, अपने दिन को देखना है। कौन सी सिचुएशन, किसी का कोई व्यवहार, कौन सी ऐसी बात आती है जिससे हमारी मन की स्थिति हिल जाती है। सिर्फ अपने जीवन को देखते हुए, सब ठीक चल रहा है, मन ठीक है, फिर अचानक कुछ होता है वो हिल जाता है, तो वो क्या होता है जो मन हिल जाता है। और अपने आप को देखें कि अगर आज वो सीन फिर से आए तो क्या आज हम अचल रहकर, स्टेबल रहकर, बिना हिले उस सीन को क्रॉस कर सकते हैं। शांति। कोई भी कार्य की शुरुआत जैसे अभी किया, दिया चला कर करते हैं, है ना? घर में भी दिया जलाते हैं। दिए के बुझने को क्या माना जाता है? दिया अगर बुझ जाए तो उसको क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। तो अगर दिया थोड़ा भी हिलता है तो हम भागते हैं उस दिए की लौ को बचाने के लिए कि दिया बुझना नहीं चाहिए। दिया जल रहा है तो शुभ है, दिया बुझ जाए तो अशुभ है। इसका क्या मीनिंग होगा? दिया शब्द ही क्या है? शब्द ही क्या है? दिया, दिया, क्या क्या दिया? और अगर दिया बुझ जाए तो हम शिफ्ट हो जाते हैं दिया से लिया। तो अगर दिया है तो शुभ है, और अगर दिया नहीं है तो अशुभ है। मतलब जीवन में अगर हम भी दिया है तो शुभ है, और अगर दिया नहीं है तो जीवन अशुभ है। सारा दिन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें देनी चाहिए लेकिन आज हम देने की बजाय वही चीजें मांग रहे हैं, और क्योंकि हम दिया से शिफ्ट होकर लिया में चले गए, हमारा जीवन भी उतना शुभ जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जितना उत्सव होना चाहिए उतना नहीं है, जितनी खुशी होनी चाहिए उतनी नहीं है, क्योंकि दिया बुझा हुआ है। क्या देंगे तो जीवन में खुशी आएगी? दिया। क्या क्या दे सकते हैं हम सारा दिन सबको? क्या दे सकते हैं हम सबको सारा दिन?
अच्छा क्या दे सकते हैं छोड़ो, हमें सारा दिन सबसे चाहिए क्या, क्या चाहिए, क्या चाहिए होता है, इनसे ये मिले तो अच्छा लगेगा, इनसे ये मिले तो अच्छा लगेगा, इनसे ये मिले तो अच्छा लगेगा, वो क्या मिले तो अच्छा लगेगा, क्या चाहिए, क्या चाहिए, दुआएं चाहिए, और क्या चाहिए, लव चाहिए, और क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और क्या चाहिए, खुशी भी चाहिए, और क्या चाहिए, ट्रस्ट भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, आप प्लीज मुझे अंडरस्टैंड करो, मुझे समझो, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, और कुछ चाहिए, लोग मेरा कहना माने ये भी चाहिए, लोग मेरे अनुसार चलें ये भी चाहिए, तो चाहिए कि एक बहुत लंबी लिस्ट हो गई है, और इसलिए दिया क्या हो गया, क्योंकि इन सारी लिस्ट में दिया तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ चाहिए, और मंदिर में जो दिया पड़ा है वो अगर बुझता है तो भागते हैं, और ये जो दिया है जिसको सारा दिन देना है वो बुझ गया है, और वो बुझ कर हम कहते हैं चाहिए 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 चाहिए, इसीलिए जीवन शुभ नहीं है। आज हमें सिर्फ एक ही चीज शिफ्ट करनी है कि सारी चीजें जो चाहिए वो सारी चीजें हमें क्या करनी है, देनी है, और सारा दिन में चेक करें कि कहीं मेरा देना बुझा तो नहीं, और अगर देना थोड़ा सा भी बुझने लगे तो क्या करेंगे, दिया अगर बुझने लगता है तो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें घी डालते हैं ताकि दिया जगता रहे, अखंड ज्योति जगती रहे, कितना महत्व है इस चीज का कि अखंड ज्योति जगती रहे, कौन सी अखंड ज्योति जगती रहे, ये वाला जो दिया है, ये वाला जो दिया है, आपको लगता है अगर ये बुझ जाए तो कुछ अशुभ हो जाएगा, ये दिया अगर बुझ जाए तो कुछ अशुभ हो जाएगा, मंदिर में जो दिया पड़ा है वो बुझ जाए तो कुछ अशुभ हो जाएगा, वो सारी चीजें सिंबॉलिक हैं, सारी बातें सिंबॉलिक हैं, हमें कुछ याद दिलाने के लिए हैं कि आप आत्मा जो दिया है वो देने से अगर बुझ जाए तो जीवन अशुभ होगा, हमने यहां से देना बंद कर दिया और सिर्फ वो वाले दिए को बचाते गए, और अगर वो दिया बुझ जाता है तो हम यहां अंदर और बुझ जाते हैं, कहते हैं अब दिया बुझ गया, पता नहीं अब क्या होने वाला है, वो वाला दिया बुझकर कुछ नहीं होगा, वो दिया तो एक सेकंड में क्या हो सकता है, जल जाएगा, सिंबॉलिक है, हर चीज सिंबॉलिक है, उसको हम करते हैं यहां, धारण करना है यहां, अब जो सारी चीजें चाहिए उसको चाहिए से दिया में शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बचपन से ये इक्वेशन बनी कि जब कोई मुझे और देगा तब मुझे मिलेगा, और परमात्मा ने ज्ञान दिया कि जब आप किसी को देंगे तब आपको मिलेगा, हमने सोचा आउटसाइड से इन, मतलब कोई मुझे देगी खुशी, कोई मुझे प्यार देगा, कोई मुझे सम्मान देगा तब मुझे मिलेगा, परमात्मा ने कहा जब आप देंगे किसी को तब आपको मिलेगा, कौन सा वाला राइट होगा, अच्छा जब हम किसी को गुस्सा देते हैं तो हम किसी को डांटते हैं, ठीक है, हम दे रहे हैं वो ले रहे हैं, हम दिया है वो ले रहे हैं, लेकिन हम दे क्या रहे हैं, हम गुस्सा दे रहे हैं, राइट, तो जब हम गुस्सा दे रहे हैं किसको मिलता है पहले, जो दे रहा है या जो ले रहा है, हम दे रहे हैं
किसको वो नेगेटिव एनर्जी मिलती है पहले, जो दे रहा है या जो ले रहा है? जो दे रहा है। अगर ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो किसका उस टाइम शिफ्ट हुआ होगा, जो दे रहा है या जो ले रहा है? जो दे रहा है। जो ले रहा है उसके पास चॉइस होती है, जो ले रहा है उसके पास चॉइस होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को ले या रिजेक्ट कर दे और उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन जो दे रहा है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि देने के लिए हमें वो गुस्सा क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट करके हम दूसरे को देते हैं तो हमारे ऊपर उसका असर तो हो ही गया। तो लेने वाले को मिलता है या देने वाले को मिलता है? लेने वाले को मिलता है या देने वाले को मिलता है? जो भी हम किसी और को देंगे वो सामने वाला ले या न ले उनकी चॉइस है। जैसे कोई उदास बैठा है, परेशान बैठा है, हम उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, हम उनको खुश करने की कोशिश करें, लेकिन वो खुश हो या ना हो उनकी चॉइस है। कई बार आप घंटों उनके साथ बैठे रहो, उनका चेहरा फिर भी वैसे ही रहता है। होता है, हमने दिया लेकिन उन्होंने लिया नहीं, ऐसे ही हमने गुस्सा दिया लेकिन उन्होंने लिया नहीं। लेने वाले के पास चॉइस है, देने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। जो दे रहा है देते हुए सबसे पहले किसको मिलेगा? हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके हम किसी को वो एनर्जी देंगे, वो एनर्जी सबसे पहले हमारे थ्रू फ्लो करने वाली है। और इसीलिए अगर जीवन में कुछ भी चाहिए तो वो पाने का एक सिंपल तरीका है, क्या? कुछ भी चाहिए तो वो पाने का सिंपल तरीका है, उस चीज को क्या करना है? औरों को देना है। कलयुग कलयुग क्यों बन गया? हमने सोचा हमें वो औरों से मिलना है। अब स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं हम, कोई भी कार्य शुभ करना है पहले दिया चलाते हैं, दूसरा हम स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। अब स्वास्तिक को अभी ड्रॉ करें, ठीक है, चार भाग, और चार भाग भी इक्वल चार भाग। वो चार भाग क्या दर्शा रहे हैं? पहला भाग, पहले भाग में जो हाथ है वो ऐसे है, ऊपर है, ऐसा है स्वास्तिक। पहला भाग, पहला हाथ कहाँ है? ऊपर है। दूसरे भाग में हाथ कहाँ है? नीचे है। तीसरे भाग में हाथ कहाँ है? ऐसे है। चौथे भाग में हाथ कहाँ है? ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। पहला भाग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ऐसे क्या देते हैं? आशीर्वाद। तो पहला भाग मतलब जो पहले भाग में हम सिर्फ दे रहे हैं वो भाग है सृष्टि पर सतयुग, और सतयुग में जो देते हैं उनको कहा जाता है देवी देवता। मतलब जो देने वाला है वो कौन है? देवी देवता, देने वाला, सतयुग। दूसरा भाग हाथ नीचे, त्रेता युग। तीसरा भाग हाथ द्वापर युग। सतयुग, त्रेता युग, देवी देवता, संपूर्ण सुख शांति पवित्रता, दुख अशांति का नाम निशान नहीं। द्वापर युग, हाथ ऐसे आ गया, जैसे ही लेना शुरू किया दुख अशांति असंतुष्टता आने शुरू हुई। लेना बंद नहीं किया, कलयुग आ गया। ये हाथ क्या कर रहा है? ये हाथ क्या कर रहा है? तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब कलयुग के बाद कौन सा भाग आएगा? कलयुग के बाद कौन सा भाग आएगा? कौन सा भाग आएगा? सतयुग के बाद त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, कलयुग आया। अब कलयुग के बाद कौन सा भाग आएगा?
अब वो वापस सतयुग आएगा। तो विच मीन्स कलयुग से सतयुग में शिफ्ट होने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज में शिफ्ट होना है, और वो चीज क्या है, मांगने के बजाय देना शुरू करना है। क्योंकि मांगने से आत्मा रूपी बैटरी घट रही है और देने से आत्मा रूपी बैटरी बढ़ेगी, क्योंकि देते हुए सबसे पहले हमें मिलने वाला है। अब जैसे ही हम देना शुरू करेंगे बैटरी भरती जाएगी, जितनी भरती जाएगी उतना और देते जाएंगे, जितना देते जाएंगे और भरती जाएगी, और ये करते करते बैटरी क्या हो जाएगी, फुल्ली चार्ज्ड हो जाएगी। और बैटरी जब फुल्ली चार्ज्ड हो जाएगी युग बदल जाएगा। आज कलयुग भी नहीं चल रहा, आज के युग को कहते घोर कलयुग, घोर कलयुग। कलयुग की भी अति, जब कोई भी चीज अति पर पहुंच जाती है तो फिर अति के बाद उसका अंत होना होता है। तो दुनिया में कहते हैं प्रलय हो जाएगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं सृष्टि नहीं खत्म हो जाएगी, प्रलय नहीं खत्म हो जाएगी, जिस चीज की अति हो रही है वो खत्म हो जाएगी। तो सृष्टि नहीं खत्म होनी, सृष्टि पर जो ये कलयुग है ये खत्म होना है, और सृष्टि पर जो कलयुग है ये तब खत्म होगा जब सृष्टि पर सतयुग शुरू हो जाएगा। इट्स लाइक अभी सुबह है, फिर दोपहर होगी, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, फिर घोर रात्रि हो जाएगी, फिर सुबह के 4 बजेंगे। जब वो सुबह के 4 बजेंगे तो कौन सा समय शुरू हो जाएगा, 4 बजे को कौन सा समय कहते हैं, उस समय पर कुछ लोग जागना शुरू करते हैं। जो लोग उस टाइम जागते हैं उनके लिए वो सुबह है, और जो लोग उस टाइम सो रहे हैं उनके लिए रात है। अब का जो समय है वो 4 बजे वाला समय है। कुछ लोग सो रहे हैं और कुछ लोग जाग रहे हैं। जो सो रहे हैं उनके लिए वो रात है, जो जाग रहे हैं उनकी सुबह शुरू हो चुकी है, और जो सुबह उठ चुके हैं वो इस सृष्टि पर सतयुग लेकर आएंगे। क्या आप सृष्टि पर सतयुग लेकर आने के लिए रेडी हैं? ऋषिकेश में बैठे हैं, प्योर एनर्जी, हाई एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, तो ऐसे स्थान पर बैठकर सतयुग लाना, तो ऐसे स्थान पर बैठकर सतयुग लाना। तो पूरी दुनिया से लोग आपके शहर का पानी लेने आते हैं, महत्व है ना, महत्व है। क्यों उस गंगा जल का महत्व है, क्या है उसमें ऐसा जो उसका इतना महत्व है? दुनिया से आते हैं, कोई बीमार है कहते गंगा जल लेकर आओ, किसी घर में कोई अशांति चल रही गंगा जल लेकर आओ, इस घर पे छिड़को वो गंगा जल। क्या है उस पानी में, क्या है उस पानी में? उस तट पर सारा दिन क्या चल रहा है, आरती चल रही है, पूजा चल रही है, पाठ चल रहा है। तो जिस तट पर आरती पूजा चलेगी वहां जो पानी बहेगा वो पानी की एनर्जी कैसी हो जाएगी, बहुत हाई। हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में कुछ और ही चल रहा है, तो फिर उस शहर के पानी में क्या हो जाता है, तनाव है, दर्द है, गुस्सा है, तो फिर उस शहर से आपके शहर आते हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि उस शहर के पानी में जो वाइब्रेशन है वो बहुत भारी है। तो जो सारा दिन बैठे ही यहां है जहां हाई एनर्जी है, तो यहां देवी देवता बनना क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां देवी देवता बनना बहुत बहुत
आसान होना चाहिए। फिर यहां से सिर्फ गंगा जल लेने ना आए, दुनिया कहे देवी देवताएं देखने हैं कैसे होते हैं, तो कहां आ जाओ? जहां हाई एनर्जी हो, प्योरिटी हो, वहां अपने आप को चार्ज करना बहुत इजी है, क्योंकि वातावरण में ही क्या है, हाई एनर्जी है, प्योर एनर्जी है। सिर्फ एक शिफ्ट लाना है कि जो जो चीजें मुझे चाहिए वो अब चाहिए कि लिस्ट से शिफ्ट कर उन चीजों को किस तरफ करना है, ये चीजें मुझे देनी है। करें, रेडी करें, करें शुरू। खुशी देनी है, प्यार देना है, ट्रस्ट देना है, रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन अगर हमारा मन सामने वाले के व्यवहार से या छोटी सी बात से जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होता है, तो फिर हम देना बंद करके किस लाइन में खड़े हो जाते हैं? लेना है, आप मेरे अनुसार बनो ताकि मैं खुश रहूं। किस किस के पास हमारा रिमोट कंट्रोल है आजकल हमारे माइंड का? कितने लोगों के पास आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल है? मतलब कितने लोगों के बटन दबाने से मन हिल सकता है? क्या लगता है कितने लोगों के पास होगा रिमोट कंट्रोल? कितने लोगों के पास आपका रिमोट कंट्रोल है? कोई कुछ कहे तो हम, कोई कुछ करे, कोई हमारे साथ कुछ नहीं करे, सिर्फ आसपास कर रहा है उसको देख के भी हम, कितने लोगों के पास हमारा रिमोट कंट्रोल है? जब अपने मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देंगे कि इनके व्यवहार से मेरा मन हिलता है और ये तो नेचुरल है, तो फिर मन तो सारा दिन में हिलता ही जाएगा। और जो मन सारा दिन में फ्लक्चुएट होता जाएगा दूसरों के व्यवहार की वजह से, वो मन धीरे धीरे, आत्मा क्या होती जाएगी, खाली होती जाएगी। आज एक सीन सामने लेकर आते हैं, कोई हमारे सामने है, उनका व्यवहार हमें सही नहीं लगता, उनका व्यवहार हमारे अनुसार नहीं है, लेकिन उनको वो करते हुए देखकर हम यहां हिल नहीं रहे हैं। पॉसिबल? 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 कल सारा दिन में किसी ने गुस्सा किया? अच्छा, पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते में किसी ने गुस्सा किया? किस किस ने किया? हाथ उठाओ, आंख बंद करो, वो सीन सामने लेकर आओ जल्दी से, अभी जब हिले लास्ट, पूरा सीन, सिचुएशन, लोगों का व्यवहार और हमने कैसे रिएक्ट किया उस टाइम, वो सारा सामने लेकर आए। दिख गया सीन? अब सीन एज इट इज है, वो लोग वैसे ही हैं, उन्होंने जो किया वो भी वैसा ही है, सिर्फ अपने आप को देखें, क्या हमारे पास एक चॉइस थी कि हम इसको अलग तरह से कर सकते थे सीन को? और अपने आप को अभी वो करते हुए अभी देखना है, राइट नाउ। और जब हम उसको अभी करते हुए देखेंगे, वो यहां आत्मा पे रिकॉर्ड हो रहा है कि अगली बार हमें उस सीन को उस तरह से निभाना है। ऑप्शन थी कोई और तरह से करने के लिए? ऑप्शन थी? क्या ऑप्शन थी? काम भी कर सकते थे, और क्या ऑप्शन थे? क्या ऑप्शन थी और? हां जी, पॉजिटिव सोच सकते थे, और
पेशेंस भी रख सकते थे, हाँ, और इग्नोर भी कर सकते थे, कितना कुछ कर सकते थे, लेकिन करी एक ही चीज। ऑप्शन इतने सारे थे, चुप रह सकते थे, इग्नोर कर सकते थे, फॉरगिव कर सकते थे, साइलेंट रह सकते थे, उनको समझ सकते थे, उनको क्षमा कर सकते थे, उनसे प्यार से बात कर सकते थे, लेकिन करी एक चीज, गुस्सा। मतलब 10 ऑप्शन थे जिससे बैटरी बच सकती थी, 10 ऑप्शन थे जिससे सेहत बच सकती थी, 10 ऑप्शन थे जिससे रिश्ते बच सकते थे, लेकिन चूज किया एक जिससे सब पे नुकसान होता है। और चूज करते हुए भी कहा ये करना तो, ये करना तो नेचुरल था। उनकी गलती इतनी बड़ी थी, दूसरों की गलतियों की वजह से अपना नुकसान, दूसरों की गलतियों वजह से अपने आप को बीमारियां। और फिर उस टाइम 4-5 लोग भी साथ में जो खड़े होते हैं, कहते हैं बिल्कुल राइट जी, आपने जो डांटा ना उसको बिल्कुल राइट था, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे ही बात करनी चाहिए। कलयुग में बहुत ध्यान रखना है, कलयुग में एडवाइस भी कलयुग वाली ही मिलने वाली है। और जब हमारे को ऐसा कोई कहता है तो हम कहते हैं राइट, मैंने जो किया वो राइट। जैसे ही मन को कहा मैंने जो किया वो राइट, नेक्स्ट टाइम भी वो मन वही चीज करेगा ना, और फिर वो हमारी आदत बन गई कि ये तो राइट है। और थोड़े दिन के बाद सोचने की जरूरत ही नहीं, बात आई गुस्सा किया, और थोड़े दिन के बाद तो बात आने की भी जरूरत ही नहीं है। और कुछ लोगों का बोलने का स्टाइल ही वैसा बन जाता है, उनको कहते हो इतना ऐसे क्यों बोल रहे हो, जी बहन जी हम तो ऐसे ही बात करते हैं, ये हमारा स्टाइल बन गया। किसी को थोड़ा धीरे, नहीं जी मेरा वॉल्यूम ही इतना है। कुछ भी चीज जो रिपीटेडली करेंगे वो बन जाएगी हमारी हैबिट। क्या हैबिट बदली जा सकती है? क्या हैबिट बदली जा सकती है? हैबिट बदली जा सकती है। सबसे इजी चीज जो है इस जीवन में करना वो है आदत चेंज करना। इट्स द इजिएस्ट थिंग टू डू। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सारी पावर किसकी? अपनी। इसमें कोई खर्चा भी नहीं लगता, कंप्लीटली फ्री। इससे ज्यादा इजी तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। और एक आदत बदलने से हमें खुशी, हेल्थ, रिश्ते और सत्युग मिल जाएगा फॉर फ्री, फॉर फ्री। और हम खुशी ढूंढने के लिए अमेरिका तक भी जाके आते हैं कि यहाँ के सब हॉलीडे वाली जगह पे हो गए, ऐसा ही फील हो रहा है, अब इस साल कहाँ जाएं खुश होने के लिए। वी आर ऑलवेज डूइंग समथिंग आउटसाइड, कि कुछ ऐसा हो जिससे हम खुश हो। खुशी कुछ खरीदने से, कहीं जाने से, कुछ लेने से नहीं मिल सकती। खरीदना, लेना, जाना इज गुड, लेकिन क्लैरिटी से। क्यों खरीदा? यूज करने के लिए। क्यों जा रहे हैं? हॉलीडे के लिए। लेकिन खुशी के लिए जा रहे हैं गड़बड़, क्योंकि हॉलीडे पे जाकर भी टेंशन हो सकती है, हो सकते हैं या नहीं हो सकती। हॉलीडे पे जाकर भी झगड़े हो सकते हैं। पिछले साल टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे एक आर्टिकल आया, उन्होंने कहा वेस्ट में, मतलब यूएसए में, सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट क्रिसमस और हॉलीडेज न्यू ईयर की ब्रेक में होते हैं। तो जब मैंने पढ़ा मुझे लगा मुझे समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ो क्या लिखा है ये। तो ये सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट उस टाइम डिसाइड होता है कि डिवोर्स होना है, क्योंकि वो 15 दिन एक दूसरे के साथ रहना, बाकी दिन तो सुबह निकले रात को आए घर, तो मैनेज हो जाता है। तो हॉलीडे भी इज नॉट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हॉलीडे इज सोर्स ऑफ हॉलीडे, चेंज ऑफ रूटीन, नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? लेकिन जब यहां और यहां बिगड़ता है तो वो गाड़ी पे ठोकर लगी उसकी वजह से हम यहां भी ठोकर लगाते हैं, उसकी वजह से यहां भी ठोकर लगती है, क्योंकि गाड़ी पर किसी ने ठोकर क्यों लगी है? गाड़ी पर ठोकर उन्होंने मारी है, अपने पर और अपने शरीर पर ठोकर हमने मारी, किसकी गलती है? किसकी गलती है? और किसको समझाना चाहिए, उनको या अपने आप को? तो खुशी इज एन ऑप्शन,
वो एक ऑप्शन है जो हम जीवन की हर परिस्थिति में चूज करने वाले हैं, जीवन की उन परिस्थितियों में चूज करने वाले हैं जो परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं थी। उस समय अपने आप से पूछना है, मुझे खुशी चाहिए तो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे हेल्थ चाहिए मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे प्यारे रिश्ते का राइट है। आज सारा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, और कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी सामने वाला कुछ भी करे, आज एक दिन हम स्टेबल रहकर अपने ऊपर संयम रख के उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करेंगे। पॉसिबल? 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 एक दिन वो कुछ भी करेंगे हम अपने अनुसार चलेंगे। पॉसिबल? विच मीन्स आज एक दिन हमारे मन का रिमोट कंट्रोल हम अपने हाथ में रखेंगे कि सामने कुछ भी हो रहा है हम चूज करेंगे कि यहां क्या चलेगा। एंड विच मीन्स परिस्थिति बाहर है लेकिन स्वस्थिति मेरी चॉइस है, और हम परिस्थिति से अपनी स्थिति नहीं बनाएंगे, अपनी स्थिति से परिस्थिति को चेंज करेंगे। सिंपल परिस्थिति है ना, गाड़ी की ठोकर लगी, ये परिस्थिति है। अगर ठोकर लगने से यहां डिस्टर्ब हुए तो बाकी की परिस्थिति क्या हो जाती है? बाकी की परिस्थिति क्या हो जाती है? वो जोर से बोलेंगे, फिर हम जोर से बोलेंगे, फिर कुछ और होगा। दिल्ली में तो आजकल बहुत इंटरेस्टिंग सीन होता है, दूसरे की गाड़ी की चाबी निकाल कर ही चले जाते हैं, खड़े रहो तुम सड़क के बीच में। अब दूसरों को तंग करने के तरीके, लिटरली उनकी गाड़ी की चाबी रोड के बीच में गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं, वो भी अटके, सड़क पर हजारों लोग जो आने वाले हैं वो आज अटकेंगे। लेकिन अपना अहंकार, और ये करने से हमें लगता है कि जो हमने किया उससे हमने उनको सिखाया कुछ, जो हमने किया उससे हमने सिर्फ किसका नुकसान किया, और जिनके साथ हमने वो किया वो हमें क्या भेज रहे हैं, वो हमें क्या भेज रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी। जितने लोग उस दिन अटके वो हमें क्या भेजेंगे, नेगेटिव एनर्जी। ये सारी नेगेटिव एनर्जी हमारी बैटरी को क्या कर देगी, डिस्चार्ज। अब इसका ऑपोजिट, ठोकर मारी किसी ने, हमने कहा इट्स ओके ना, हो जाता है, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, क्या कमाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या कमाएंगे उस दिन। ये जो कमाएंगे उस दिन अच्छी वाली एनर्जी, वो व्यक्ति, उसका परिवार, आसपास उस सीन को जो लोग देख रहे हैं, वो सारे क्या भेजने वाले हैं, क्या व्यक्ति वंडरफुल, क्या सिचुएशन को हैंडल किया, सारी बात को तो कितना इजीली फिनिश ही कर दिया, ऐसे होना चाहिए। क्या कमाया, ये जो कमाया ये खुशी है। खुशी भी कमानी पड़ती है अपने कर्मों से, धन कमाने से खुशी नहीं आती, धन कमाना अलग डिपार्टमेंट है, खुशी कमाना अलग डिपार्टमेंट है। धन कमाने के लिए हम मेहनत करते हैं, खुशी कमाने के लिए हमें सिर्फ यहां ध्यान रखना है कि हम सही कर्म कर रहे हैं, दुआएं कमा रहे हैं खुशी। अब ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है, क्षमा, फॉरगिव, प्यार से बात, मूव ऑन, पॉसिबल? 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 पॉसिबल। ये जीवन की इतनी छोटी सी सीन में भी पॉसिबल है, जहां किसी ने सिर्फ गाड़ी को ठोकर मारी है, इक्वेशन वही है, ये इक्वेशन जीवन की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में पॉसिबल है। जहां सिर्फ आपको किसी ने ठोकर नहीं मारी है, जहां किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, जहां किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो भी आप मूव ऑन, क्षमा, फॉरगिव, अपनी शक्ति को बचाएं। कर सकते हैं, जो हमारे साथ गलत करे उनको दुआएं देख कर सकते हैं,
जो हमारे को गलत करे हम उनको दुआएं दें, ये कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्यों करना है? ये करना क्यों है? उनके लिए नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने। पुरानी बातें जो यहां पकड़ के रखी है, हम कहते हैं ये वाली बात मैं कभी भी भूलने वाली नहीं। जितना समय पकड़ के रखेंगे उतना समय बैटरी क्या होती जाएगी। इनको क्षमा मैं कर नहीं सकती, नहीं करो, वो मौज में चल रहे हैं, उनके ऊपर नहीं असर हो रहा हमारे पकड़ के रखने का, राइट? उनके ऊपर असर नहीं होने वाला हमारे पकड़ने का, असर हमारे ऊपर होने वाला है। हमें लगता है हम उनका नुकसान कर रहे हैं उनको क्षमा न करके, उनका नहीं नुकसान हो रहा, हम खुद को नुकसान कर रहे हैं क्षमा न करके। यहां क्षमा, इट्स ओवर, फिनिश्ड। पास्ट का कार्मिक अकाउंट सामने आता है। बचपन से सीखा है जैसा कर्म वैसा फल। मानते हैं इस बात को, जैसा कर्म वैसा फल? मानते हैं इस बात को, जैसा कर्म वैसा फल? इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं कर रहे हैं वो कर्म, जो हमारे साथ हो रहा है वो है फल। मैंने अभी अभी कर्म किया, उसका फल 10 मिनट बाद आ सकता है, 10 दिन बाद आ सकता है, 100 साल बाद भी आ सकता है। लेकिन जब वो कुछ साल बाद आता है, मुझे ये भूल जाता है ये मेरे कर्म का रिटर्न है। अगर मैंने यहां से एक बॉल फेंकी, वो बॉल वापस आनी है। वो बॉल इमीडिएटली भी वापस आ सकती है, 100 साल बाद भी वापस आ सकती है। फर्क ये, जब वो 100 साल बाद वापस आती है, मैंने शरीर चेंज कर लिया तब तक, और जैसे ही मैंने शरीर चेंज कर लिया मैंने भूल गया कि ये बॉल किसने फेंकी थी, मैंने फेंकी थी। सामने से वो बॉल आती है और कहती है ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस समय ये ज्ञान याद रखना है, जैसा कर्म वैसा फल। तो फल जो सामने से आ रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बॉल मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। अब वो जो बॉल मेरे सामने आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? सपोज मैंने ब्लैक बॉल फेंकी तो ब्लैक आ रही है। अपने जीवन में उन लोगों को देखो जो आपको सारा दिन थोड़ी सी डार्क रंग की बॉल फेंक रहे हैं, आपसे अच्छा बात नहीं कर रहे, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, आपके जीवन में मुश्किलें डाल रहे हैं। आप कितना भी उनके साथ अच्छा करें वो अच्छा नहीं बात कर रहे, वो गुस्सा करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपका विश्वास तोड़ते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, ये सब ब्लैक बॉल्स है। आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये सब ब्लैक बॉल्स वापस आ रहे हैं। ये मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये ब्लैक बॉल मेरे पास आ क्यों रही है? क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? आंसर, क्यों आ रही है? ऐसे कुछ भी आ नहीं सकता जब तक वो ऐसे गया नहीं था। अब यहां से ब्लैक आ रही है, अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? क्या करें? क्या करें? दुनिया में राय मिलेगी, ईंट का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो अब मेरे पास ईंट आ रही है, पहली बात ये ईंट आ क्यों रही है मेरे पास? ये ईंट आ क्यों रही है मेरे जीवन में? क्योंकि मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। अब पत्थर फेंको तो फिर क्या हो जाएगा? पहले ईंट आ रही थी, बाद में वापस क्या आएगा? पत्थर आएगा। जैसा कर्म वैसा फल ज्ञान मालूम है, लेकिन उसको यूज नहीं करते हम प्रैक्टिकल में। अब अगर उसको यूज करें प्रैक्टिकल में, तो ईंट आ रही है, क्या भेजें? क्या भेजें? क्या भेजें? फूल भेजें? हाँ,
फूल भेजे, बस फिर याद करो उन सब लोगों को जिनको आज फूल भेजना है। द सिंपल तो है सब कुछ, इट्स वेरी सिंपल। क्योंकि अगर आज फिर पत्थर फेंका, फिर पत्थर आएगा, फिर पत्थर फेंकेंगे, फिर पत्थर आएगा, यही ब्लैक बॉल एक दूसरे को भेजते भेजते तो युग ब्लैक हो गया। कलयुग मतलब क्या? मैंने गलत किया, उन्होंने भी गलत किया, फिर मैंने किया, उन्होंने भी किया, मैंने किया, उन्होंने भी किया, सबने मिलकर किया, कलयुग आ गया। अब सबने मिलकर सत्युग लाना है, मतलब सामने से ब्लैक बॉल आ रही है, हमने कौन सी भेजनी है? हमने व्हाइट भेजनी है। रेडी व्हाइट भेजने के लिए? हाथ उठाओ जिसके जीवन में कोई एक है जो ब्लैक बॉल भेज रहा है आपको। वो अपने बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, ऐसे कोई बाहर वाले नहीं होते, जनरली घर के लोग होते हैं बहुत बार। उठाओ उठाओ हाथ जिनको ब्लैक बॉल मिल रही है। सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल। सुबह घर की बहू उठी, उठी नमस्ते नहीं की, पैर नहीं छुए, बात नहीं की, चले गए। अब मम्मी पापा घर पे बैठे, सुबह सुबह उनकी रिस्पेक्ट नहीं हुई, वो चले गए। अब हम बैठकर क्या सोचेंगे, क्या क्या सोचेंगे बताओ? कैसे कैसे बॉल फेंकते हैं हम ऐसे टाइम पे, क्या सोचेंगे हम उसके बारे में, क्या सोचेंगे? कैसी लड़की है, इतने भी मैनर्स नहीं है। फिर और थोड़े से ब्लैक बॉल भेजते हैं, आजकल की तो बहुएं ही ऐसी हैं, तो जनरल सब बहुओं को एक एक ब्लैक बॉल, एक ही को क्यों भेजना, एक एक थॉट कर्म है। फिर तीसरा, इसके माँ बाप ने इसको क्या सिखा के भेजा, तो एक एक ब्लैक बॉल वहां उनके घर। फिर मेरा बेटा तो हमेशा इसकी सुनता है, इसको कुछ कहता तो है ही नहीं, तो चार ब्लैक बॉल उसकी तरफ। ये कर्म है, ये थॉट्स है जो हम भेज देते हैं। अब इधर इधर और इधर इतनी सारी ब्लैक बॉल्स जो भेज दी, तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कोई ऑप्शन और थी? सुबह सुबह, सुबह सुबह ऑप्शन कोई और थी? क्या ऑप्शन थी, क्या कर सकते थे, क्या कर सकते थे सुबह सुबह? वेरी गुड। कहती उसको चाय बनाकर मैं देती, कि ऐसे क्यों जा रहे हो बिना चाय पिए? लेकिन चाय बनाना, लेकिन कौन सी स्थिति में बनाना? अगर चाय बनाते हुए वो सारी ब्लैक बॉल चाय में डाल दी, हाँ हम बहुत गुस्से में चाय भी बना सकते हैं। ये ऐसे करती है, मैं इसको दिखाती हूँ होना कैसे चाहिए, वैसे करके दिखाना पड़ेगा इसको, ये ऐसे नहीं सीखने वाली है, ऐसी चाय नहीं पिलाना, नहीं तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। एवरी कर्म हैज टू बी डन वेरी केयरफुली। उसने नहीं विश किया, रीजन कितने भी हो सकते हैं, ध्यान नहीं रहा, मूड नहीं था करने का, मन नहीं था, या कल की कोई बात से हर्ट थी, रीजन तो हो सकते हैं। हम तो ठीक है ना अभी, तो एक ने विश नहीं किया, हम तो कर सकते हैं। अगर हम कर देते वो कार्मिक अकाउंट वहीं का वहीं ठीक हो जाता, लेकिन हमने कहा वो छोटी है उसको करना चाहिए। तो जब हमने कहा वो छोटी है उसको करना चाहिए, उस टाइम हम भूल गए वो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, किसको किसको करना चाहिए। हम सत्संग में आते हैं ना, तो हम ये सब सुनते हैं, आत्मा है, जैसा कर्म है वैसा फल है, ये सब। यहां बाहर जाते फिर थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, वो छोटे हैं, हम बड़े हैं, वो ये है नहीं, वो आत्मा है, मैं आत्मा हूं। कार्मिक अकाउंट किसका और किसका है? हम दोनों का है। अगर इस बार ठीक कर लिया तो प्रेजेंट भी ठीक और फ्यूचर भी ठीक, एंड विच मीन्स सामने से कोई भी रंग के बॉल आ रही हो, हमने कौन से कलर के बॉल भेजने हैं। तो रेडी उनको व्हाइट भेजने के लिए, जिनके लिए हाथ उठाया था आपने के वो ब्लैक भेज रहे हैं, रेडी व्हाइट भेजने के लिए। एंड विच मीन्स वो कैसा भी व्यवहार करें, हम अपना सही व्यवहार करें।
वो कुछ भी करें, हम यहां से परमात्मा को कहें परमात्मा की इनकी शक्ति, इनका भी सब ठीक हो जाए। हमारे मन में उनके प्रति कोई, उनके प्रति कोई मैल नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ऐसी थॉट नहीं कि इनका भी गलत हो, इन्होंने मेरे साथ गलत किया। इनका गलत होगा ना तब इनको पता चलेगा इन्होंने मेरे साथ क्या किया। ये जो एक एक थॉट होती है ये कार्मिक अकाउंट को क्या कर देती है, और ये थॉट्स हमारी खुशी को क्या करते हैं। तो आज सामने से ब्लैक बॉल आएगा, हम कौन सा बॉल भेजेंगे, व्हाइट। हमने व्हाइट भेजा लेकिन सामने से फिर भी ब्लैक आया, तो हम कौन सा भेजेंगे, तो हम कौन सा भेजेंगे, व्हाइट। कब तक हम व्हाइट भेजेंगे, कब तक हम व्हाइट भेजेंगे, जब तक उसका बॉल व्हाइट नहीं हो जाए। हम उनके बॉल को व्हाइट करने के लिए व्हाइट नहीं भेज रहे, नहीं तो क्या होगा, यहां से भेजेंगे और वहां वेट करेंगे, व्हाइट आया, व्हाइट आया, नो। फिर बैठ के और ब्लैक भेज देंगे, इनको तो कितना भी व्हाइट भेजो ये तो फिर भी ब्लैक ही है, ये तो ब्लैक हो जाएगा फिर वापस। हम व्हाइट उनको चेंज करने के लिए नहीं भेज रहे, हम व्हाइट किसके लिए भेज रहे हैं, किसी को क्षमा करो, कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है सारी। किसी की बात को खत्म करो, खुद लाइट फील करेंगे, वो फील करेंगे कि नहीं वी डोंट नो, लेकिन हम लाइट फील करेंगे इमीडिएटली। और किसी की बात को पकड़ के रखो, किसी से नफरत करो, अंदर ही अंदर सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, यहां बीमारियां होती जा रही है। क्षमा उनको नहीं करते, बीमारी खुद को पकड़ी जाती है। तो अपने फायदे के लिए व्हाइट बॉल भेजनी है, उनके लिए नहीं, किसी और पर एहसान नहीं, ये अपने लिए है। किसी से बोलचाल बंद, हाथ उठाओ, किसी की किसी से बोलचाल बंद है, किसी की नहीं, इस पूरे शहर में किसी की बोलचाल ही बंद है किसी के साथ। आएंगे और कुछ कुछ ऐसा होगा, हम कहेंगे इनको मेरे से प्रॉब्लम क्या है, क्यों तंग करते रहते हैं सारा दिन मुझे, ये मैंने क्या किया है इनको। ये वो वाले हैं जिनके साथ पिछली बार बोलचाल छोड़कर आ गए थे, आ गया हम। प्रॉब्लम्स को पेंडिंग नहीं रखना है, प्रॉब्लम को पेंडिंग रख दो तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर ऐसे आती है जब हमें पता ही नहीं होता कि वो प्रॉब्लम कौन सी थी, क्योंकि पास्ट तो भूल गया। छोटे बच्चे को पास्ट याद रहता है, फिर धीरे 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 बच्चा जैसा बड़ा होता है उसके ऊपर प्रेजेंट आता जाता है, पास्ट भूलता जाता है। पास्ट भूल सकता है लेकिन जैसे ही वो दो आत्माएं सामने सामने आएंगी कुछ कुछ होने लग जाएगा। कुछ लोग मिलते ही बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों से मिलते ही बहुत अच्छी बनती है, कुछ लोगों के साथ रह रहे हैं तो भी नहीं बनती है, कुछ लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है फिर भी बहुत अच्छी बनती है, कुछ लोगों के साथ बहुत नजदीक का रिश्ता है फिर भी नहीं बनती है। बहन है भाई है उसके साथ नहीं बन रही है, पड़ोसी है कहते ये मेरी बहन जैसी है बिल्कुल। सी कार्मिक अकाउंट है, ये कार्मिक अकाउंट है। किनके साथ बन रही है, जिनके साथ पिछली बार कार्मिक अकाउंट व्हाइट बॉल वाला था। किसके साथ नहीं बन रही है, जिसके साथ कार्मिक अकाउंट पिछली बार ब्लैक बॉल वाला था, इस बार व्हाइट कर लें, नहीं तो इस बार भी व्हाइट नहीं किया तो फिर मिलेंगे। और हर बार जब हम मिलते हैं वो कार्मिक अकाउंट और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है क्षमा करना। कुछ दिन पहले एक परिवार से मिलना हुआ, उनके 16 साल के बच्चे को किसी ने किडनैप किया। अब क्या किया उसने, पड़ोसी था कोई, किडनैप किया ले गए और फिर वो बच्चा, अब इस चीज को 10 महीने हो चुके हैं, ऑब्वियसली वो पूरा परिवार बहुत बहुत दर्द में है। और जो बच्चा जिसने शरीर छोड़ा उसका एक जुड़वा भाई है, तो ट्विन होने के कारण उसकी अटैचमेंट और भी ज्यादा थी, तो वो तब से दुखी है। नॉर्मल इन द सेंस नॉर्मल सोचना, नॉर्मल व्यवहार नहीं कर पा रहा। अब ये हर्ट, ये रिजेंटमेंट, ये हेट्रेड, ये सारी जो चल रही है अंदर, ये इस कार्मिक अकाउंट को क्या करेगी,
ये इस कार्मिक अकाउंट को क्या करेंगे? फिर वो बहन ने कहा, जो मदर थी उस बच्चे की, उसने कहा, जब भी मैं कोर्ट में जाती हूँ और मैं उस व्यक्ति को देखती हूँ सामने, मेरा मन करता है कि मैं जाके उसको अभी, मतलब बहुत हेट्रेट है, कितनी ब्लैक बॉल जा रही है, ब्लैक बॉल आ रही है। तो वो फादर ने, क्योंकि वो सेंटर पर आना शुरू किए, ज्ञान समझा, तो वो फादर ने कहा मुझे, लेकिन सिस्टर ये हमारा ही कोई कार्मिक अकाउंट होगा ना पहले का, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट्स ट्रू। तो फिर कहा, हमने उस व्यक्ति के साथ कुछ किया होगा ना जो इतना बड़ा दुख देकर गया है हमारे को। अब ये कार्मिक अकाउंट कौन सी आत्माओं का था? वो आत्मा जिसने वो काम किया, वो बच्चा जो दुख देकर चला गया, जो चला गया वो भी तो हमारे परिवार को दुख देकर चला गया ना, तो वो भी हमें दुख देकर चला गया। कार्मिक अकाउंट उन 3-4 लोगों का जो पीछे रह गए। कितने लोगों का कार्मिक अकाउंट है ये? अब इसको ठीक करना है, कार्मिक अकाउंट को, है ना, इसको ठीक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सामने वाले ने जो मेरे साथ किया वो इसलिए किया क्योंकि वो मेरे कोई कर्म का फल था, तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है मेडिटेशन में बैठकर साइलेंस में, उनको क्षमा तो बाद में करेंगे, सबसे पहले पुराना कर्म जो हम करके आए थे उसके लिए उनसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि अगर हमने उनके साथ कुछ गलत किया ना होता कभी, आज वो हमारे साथ ऐसा करते नहीं। तो क्षमा सबसे पहले उनसे मांगनी पड़ती है मन में, जो हमारे साथ आज गलत कर रहे हैं, जो हमारे को आज बहुत सारी ब्लैक बॉल्स भेज रहे हैं, पहले उनसे क्षमा मांगनी पड़ती है। क्योंकि वो ब्लैक बॉल क्यों भेज रहे हैं? इतना सारा स्टॉक ब्लैक बॉल का उनके पास कहां से आया? इसलिए दुनिया में आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग को पीछे पीछे जाकर देखते हैं हमने किया क्या था, और जब हमें दिखाई देता है कि हमने किया क्या था पास्ट में, तो हमें आज का प्रेजेंट एक्सेप्ट करना, अच्छा मैंने उनके साथ ये किया था तो ये ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा करना, तो आत्मा साइलेंट हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमें वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी हुआ वो हमारे कोई पास्ट कर्म का फल था। इस समय हमें उस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है? फिनिश। तो उस मदर को कहा, आपको रोज सुबह उठकर जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो उस व्यक्ति को अपने सामने लाना है जिसने वो किया है काम, परमात्मा से शक्ति लेकर सबसे पहले उससे क्षमा मांगो मन में कि मैंने आपके साथ पूर्व जन्म में पता नहीं क्या किया था, फिर उसने जो आज किया है उसके लिए उसको क्षमा करो। अब जो देश का कानून है वो तो अपना काम करेगा, लेकिन ये जो दो आत्माओं के बीच का कार्मिक अकाउंट है वो फिनिश हो जाएगा। अगर इसको आज फिनिश नहीं किया, यहां से माइंड को साइलेंट नहीं किया, नफरत भेजते गए, आज इतनी बड़ी चीज हुई है, कैरी फॉरवर्ड करेंगे उससे भी बड़ी चीज होगी। फिनिश करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है वो हिसाब किताब, ताकि हम उनके बारे में गलत ना सोचें, वो हमारे बारे में गलत ना सोचें। अगर हम एक दूसरे को व्हाइट बॉल नहीं भेज सकते, कम से कम ब्लैक बॉल भेजना बंद करते हैं। अगर हम ब्लैक बॉल भेजते गए तो हमारा प्रेजेंट भी डिफिकल्ट एंड फ्यूचर में पता नहीं हमारे सामने वो कैसे आ जाएंगे। ये जो इतने भारी वाले कार्मिक अकाउंट होते हैं ये एक जन्म के नहीं होते, ये कई जन्मों से एक दूसरे के साथ ब्लैक बॉल भेजते, बर्थ आफ्टर बर्थ इट गेट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। अपने कर्मों पर अटेंशन। आज हम बिजनेस में, कारोबार में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो हम सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं, दूसरे का भले, जहां कोई कर्म ऐसा किया
जिससे दूसरे को दुख मिला या दूसरे का धोखा दिया, तो ये हमने अपना कार्मिक अकाउंट सेट कर दिया कि ये जो ब्लैक बॉल मैंने भेजी है ये ब्लैक बॉल वापस आने है। जीवन में किसी और चीज से नहीं डरना है, सिर्फ अपने कर्मों से, क्योंकि वो कर्म जब सामने आते हैं वापस। अगर किसी ने जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं, उसको बहुत सारा अच्छा फल आज मिल रहा है, अच्छा शरीर है, अच्छा परिवार है, धन है, औधा है, सब कुछ है, लेकिन सारे अच्छे कर्मों के साथ अगर एक गलत कर्म करके आए हैं, तो सब कुछ अच्छा होता है और एक जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जो सारा अच्छा भी होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन अगर एक गलत कर्म कर दिया तो वो दान पुण्य का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन वो एक ब्लैक बॉल का रिजल्ट भी ब्लैक बॉल वापस आने वाली है। हर कर्म का कॉन्सिक्वेंस आने वाला है। ध्यान से हर कर्म हमारा ऐसा हो जो दूसरे को सुख दे, दूसरे को सुख दे, चाहे उसके लिए हमें थोड़ा सा झुकना पड़े, किसी भी आत्मा के साथ इंटेंगल नहीं होना है, झगड़ा नहीं रखना है पेंडिंग। अभी वो सिर्फ झगड़ा है, अभी कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, फिर वो बड़ा झगड़ा बनकर सामने आएगा। इट्स लाइक दो लोग मिलते हैं, सपोज आज हम दो लोग मिले, चाय पी रहे, बातें कर रहे हैं, बातें करते करते आर्ग्यूमेंट हो गई है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करके घर चले गए, हफ्ते बाद फिर मिले, तो सेकेंड मीटिंग कैसे होगी, सेकेंड मीटिंग कैसे होगी? वो पिछली बार की मीटिंग पर शुरू होगी और थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। फिर छोटा सा झगड़ा हुआ, घर गए, 3 महीने बाद फिर मिले, तीसरी मीटिंग कैसी होगी? और एवरी नेक्स्ट मीटिंग गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे ही एवरी नेक्स्ट बर्थ जन्म गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, अगर पिछली बार ठीक नहीं करके आए। अब दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई, छोटा झगड़ा हुआ, हर मीटिंग कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, जब तक दोनों में से कोई एक कहता है बस पुरानी बात को छोड़ो, आज से मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल, वो वाली मीटिंग भी चेंज और उसके बाद की हर मीटिंग चेंज। हमारा भाग्य किसके हाथ में है? हमारा भाग्य किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हमारी खुशी किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हमारी खुशी दूसरों के साथ सुख देने में, दूसरों के साथ सही रहने में है। इंटेंगल नहीं होना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी को नीचे खींचना, किसी की सफलता को रोकना, ये बहुत भारी भारी कर्म है। किसी को सुखी देखकर प्रॉब्लम होना कि इसको क्यों इतना सब कुछ अच्छा मिल गया, ये बहुत भारी कर्म है। और फिर इससे ज्यादा कुछ कर दिया तो फिर जैसा कर्म वैसा फल, ये याद रखना होगा और फिर करना है जो करना है, ताकि जब वो बॉल सामने आएगी तो मन ये नहीं कहे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर हमारा कर्म सही होगा, हमारा भाग्य हमेशा सही होगा। तो अटेंशन सिर्फ किस पे रखनी है? कर्म, कौन सा कर्म कर रहे हैं, सही कर्म का ज्ञान और सही कर्म करने की ताकत परमात्मा से मिलती है। धन कमाना, अन्न खाना, मन और तन, चार एनर्जी है, धन, अन्न, मन और तन, इनका सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। धन हम कमा कर आते हैं, लेकिन धन सिर्फ पैसा नहीं होता, धन में एनर्जी होती है। वो एनर्जी क्या है, किस तरह से यह धन कमाया गया है, किस तरह से यह धन कमाया गया है। अगर वो धन दूसरों को सुख देकर कमाया गया है तो उस धन में उनकी दुआएं होंगी, लेकिन अगर वो धन किसी के साथ थोड़ी सी भी चीटिंग करके कमाया गया है, उस धन में किसी की नेगेटिव एनर्जी होगी, चाहे वो 100 रुपए की चीटिंग क्यों ना हो। बात अमाउंट की नहीं होती है, बात हमने उनके साथ क्या किया।
आज अगर आप 1 किलो फ्रूट ही लेने जाओ और उसने आपको 4 अच्छे एप्पल में सिर्फ एक सड़ा हुआ नीचे एप्पल दिया है, एक सिर्फ एप्पल नीचे सड़ा हुआ है, तो भी हम उसको 2 ब्लैक बॉल भेज देते हैं? भेजते हैं कि नहीं भेजते? एक एप्पल 20-30 रुपए का, अमाउंट की क्वेश्चन नहीं है, किया क्या उसने मेरे साथ, तो हम उसको वो वाली एनर्जी भेज देते हैं। अब वो वाली एनर्जी जो भेजी, वो फल वाला जो धन उस दिन घर कमा के गया, उस धन में हमारी एनर्जी लगी हुई थी। किसी के दर्द का लगा हुआ धन अपने घर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो धन से हम अन्न खरीद कर अपने बच्चों को खिलाएंगे और वो अन्न में उनका दर्द लगा हुआ है। और यही चीज अगर ऑपोजिट, कि वो फल वाले ने आपको कहा आज मेरे पास ताजा नहीं है, आप किसी और से ले लो, उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने आपसे क्या कमा लिया, क्या कमाया? दुआएं देंगे ना उसको, देखो अपना नुकसान क्या, मेरा फायदा क्या। उस दिन उसने दुआएं कमाई, उसके बाद हम हमेशा फ्रूट खरीदने किसकी दुकान पर जाएंगे? उसी की दुकान पर जाएंगे। ये लॉ है, ये नियम है, इसको सिर्फ करके देखना है। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाएंगे वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे, वो निश्चित है, लेकिन वो करके देखना है। तो जो धन घर आए उसमें दुआएं होनी चाहिए, तभी वो धन लक्ष्मी कहा जाएगा, तभी वो धन बरकत करेगा, तभी वो धन हमारे घर को सुख देगा। नहीं तो धन आएगा लेकिन साथ में कुछ और आएगा। दर्द नहीं आना चाहिए अपने घर किसी का भी। 100 रुपए का नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 100 रुपए का फायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान करके घर में दर्द नहीं लेकर आना है आज। लेकिन हमने सोचा धन से ही खुशी आएगी, तो हम किसी भी तरह धन कमाने के लिए रेडी हैं, सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। बिजनेस करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिजनेस में अपने फायदे के साथ सामने वाले का फायदा, क्योंकि हमें घर सिर्फ धन नहीं लेकर आना, दुआएं भी लेकर आनी है। आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है, धन भी यहां छूट जाएगा, परिवार भी जिसके लिए वो किया ये यहां छूट जाएगा, आत्मा के साथ क्या जाएगा? दुआएं, कर्म, संस्कार। लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो धन भी वो कमाए सात्विक धन, प्योर मनी, प्योर मनी। इसीलिए मनी को भी कलर दिया जाता है, कलर है ना मनी का भी, कलर भी राइट है, व्हाइट और ब्लैक। जो क्लीन है वो व्हाइट, प्योर। लेकिन प्योर मतलब जो दूसरों की दुआओं से कमाया गया वो व्हाइट है, वो प्योर है। तो धन सात्विक, अनसात्विक। ऋषिकेश में हम तामसिक भोजन तो नहीं खाते होंगे, इतनी सात्विक नगरी में तामसिक भोजन तो नहीं खाते होंगे। हाँ, चेक करना चाहिए आज और सोचना चाहिए हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि अन्न से मन बनता है। तो अगर खुशी चाहिए, सुख चाहिए, तो अन्न भी कैसा होना चाहिए? अच्छी प्योर एनर्जी, प्रसाद होना चाहिए। जो आत्माएं सारे दिन प्रसाद खाएंगे वो सुखी रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा भोजन खा रही है जिसकी एनर्जी हाई है। अगर किसी जानवर को बांधा गया है, उसको पता है उसको 1 महीने बाद मारने वाले हैं, वो 1 महीना वो पशु क्या क्रिएट करेगा अंदर? सारा क्या क्रिएट कर रहा है अंदर? दर्द, नफरत, डर, गुस्सा, वो उस भोजन की वाइब्रेशन है। और वो जब हमारी थाली में आती है, हम कहते हैं ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन है, लेकिन वाइब्रेशन कौन सी है उसकी? जैसा अन्न वैसा मन। शमशान घाट के नजदीक लोग घर नहीं लेते, कहते हैं एनर्जी अच्छी नहीं है, घर का वास्तु चेक करते हैं एनर्जी कैसी है, और अपने किचन में क्या बना हुआ है, फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, उसका वास्तु क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। हाई एनर्जी चाहिए, प्योर एनर्जी चाहिए अगर खुश रहना है। घर में डेड बॉडी पड़ी है तो भी खाना नहीं बनता, और पता नहीं किस किस की डेड बॉडी का खाना अपने किचन में बनता है।
चेक करना चाहिए क्या खाते हैं हम, उसकी एनर्जी क्या है। ऐसा अन्न खाने के बाद खुशी और सुख कहां से आएगा? उस अन्न में ही दर्द है, उस अन्न में ही डर है, उस अन्न में गुस्सा है, अग्रेशन है, फियर है। आज की एक बहुत बड़ी बीमारी है, लोग कहते हैं डर लगता है। पता किस बात का डर लगता है? पता नहीं, बस डर लगता है, क्योंकि डर वाला खाना खाया है तो डर लगेगा ही। अंदर एक डर बना हुआ है सारा दिन, कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, मेरे धन को, अननेसेसरी का डर है। लेकिन डर है, क्यों डर है? डर वाला खाना खाया है। तो अन्न ध्यान से, अन्न को बनाते समय प्रसाद की तरह बनाएं, अन्न को प्रसाद की तरह बनाएं, परमात्मा की याद में मेडिटेशन करते हुए, पूजा करते हुए, भगवान के गाने लगते हुए किचन के अंदर, पूरे किचन का वाइब्रेशन कैसा हो जाए, जैसे मंदिर है वो। फिर घर में खाना नहीं बन रहा, उस घर में प्रसाद बन रहा है। वो खाना बनाते हुए हम परमात्मा को याद करें कि परमात्मा तुम्हारी सर्व शक्तियां इस खाने में भरी हुई हैं, अब ये खाना मेरे घर में हर मेरा परिवार का सदस्य खाएगा, उसका मन खुश, शरीर निरोगी, और हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सुख। अब ये खाना खिलाओ सबको, और खाने के बाद घर की एनर्जी चेंज होते हुए देखो। खाना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आजकल हम बहुत ज्यादा बाहर से खरीद के खाना शुरू कर दिया है। दो जेनरेशन पहले बाहर का खाना नहीं खाते थे, नहीं खाते थे ना। आजकल के बच्चे कहते हैं वो आज घर में खाना खाना है। दो जेनरेशन में ही हम चेंज हो गए इतना, और उसी का रिजल्ट समाज में इतना चेंज आ गया है। घर का खाना, प्यार से बना हुआ खाना, बाजार का खाना, धन कमाने के लिए बना हुआ खाना, तो उसमें एनर्जी कौन सी है? धन धन धन। जो जितना बाहर का खाना खाएंगे उनके माइंड पे रिश्ते सेकंड, पैसा फर्स्ट हो जाएगा। पैसा 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 पैसा, क्योंकि वो पैसे के लिए कमाया हुआ धन, उसी से अन्न खा रहे हैं। घर में खाना भी नहीं, घर में प्रसाद, तो वो घर फिर मंदिर बनता है। जिस घर में सबको प्रसाद रोज खिलाया जाता है, जिस घर में पानी नहीं पिया जाता, अमृत पिया जाता है, मतलब पानी सामने आए उसको भी भगवान को याद करके, उसमें प्योरिटी की शक्ति भर के, उस पानी को भी शुद्ध करके फिर पिया जाए, तो फिर इतना सा अमृत क्यों पिए? पूरा ग्लास अमृत पिएंगे। जो प्रसाद खाएगा, अमृत पिएगा, वो देवता बन जाएगा। वो ही खाएं भोग जो हम देवी देवताओं को लगाते हैं, अगर देवी देवता बनना है तो। देवी देवता बनना मतलब देने वाला, दिया। और अगर तामसिक भोजन खाएंगे तो फिर जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा भाग्य। सारी चॉइस हमारे पास है। 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, सिर्फ 3 महीने के लिए। सात्विक अन्न, सात्विक पानी, मतलब पानी को भी प्योरिफाई करके फिर पीना। सात्विक मन, सात्विक मन के लिए जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सात्विक होना चाहिए। सुबह सुबह अखबार, सुबह सुबह अखबार, कौन कौन? सिंपल लॉजिक है ना, जैसा हम सुनेंगे पढ़ेंगे वो अंदर जाएगा, जैसे वो अंदर जाएगा थॉट्स उससे बनेंगे। जैसे जो हम खाते हैं उससे शरीर बनता है, ऐसे जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं उससे मन बनता है। अब हमें खुशी चाहिए तो कैसी चीजें पढ़नी सुननी चाहिए, कैसी वाली बातें पढ़नी और सुननी चाहिए? अगर सुबह सुबह पढ़ा टेरर, वायलेंस, डेथ, पेन, फेलियर, लॉस, ये सब पढ़ा, मर्डर, क्राइम, करप्शन, सुबह सुबह पढ़ लिया अंदर, अभी उसके बाद पॉजिटिव थॉट किधर से क्रिएट हो गए? कहां से आएगी, कहां से? भोजन कहां गया अंदर वो वाला? तो सिर्फ अगर इतना सा चेंज लाएं कि सुबह सुबह अखबार एंड डेफिनेटली न्यूज चैनल सुबह सुबह ऑन नहीं, पेपर पढ़ा रहे साइड पर 10-11 बजे तक, देखना भी नहीं है उसकी तरफ, उसको छूना नहीं है, और सुबह आधा घंटा सिर्फ,
प्योर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, परमात्मा का ज्ञान लेकर दिन को शुरू करें। आज ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 10 लाख परिवार है, आपकी तरह घर में रहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, सिर्फ छोटा सा चेंज किया लाइफस्टाइल में। सुबह सुबह सेंटर पर जाते हैं 7 बजे, ज्ञान सुनते हैं आधा घंटा, उसके बाद पूरा दिन फ्री काम कर रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं। लेकिन दिन की शुरुआत राइट भोजन, राइट भोजन। जैसे ही परमात्मा का ज्ञान अंदर डाला, सोच बदली, संस्कार बदले, कर्म बदला, भाग्य बदलेगा। सुबह सुबह अखबार डाला, पूरा साइकिल। इन्फॉर्मेशन से थॉट, थॉट से एक्शन, एक्शन से डेस्टिनी। इन्फॉर्मेशन को चेंज कर लें, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। हमारी दुनिया की डेस्टिनी बदल गई है जब से हमारे पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आने लगी है। इस 20-30 इयर्स में देखो कितने चैनल, किस क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन। और कभी साक्षी होकर अगर देखेंगे ना, जो रोज हमें अखबार दिखा रहा है ना, वो जब हम सब पढ़ लेते हैं तो समाज में वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जो वो हो रहा है। कुछ भी घटा नहीं, वो सब बढ़ रहा है, क्योंकि सब पढ़ते हैं, सुनते हैं और करते हैं। इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं 3 मंथ्स पेपर थोड़ी देर से कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए पेपर देर से, सिर्फ करके देखना है उसका रिजल्ट क्या आएगा। थोड़े दिन के बाद सुबह सुबह वो पढ़ा नहीं जाएगा, डाइट चेंज है, थोड़े दिन के बाद वो अच्छा नहीं लगेगा। और उसको सब्स्टिट्यूट करके आधा घंटा बहुत प्योर। तो सात्विक धन, सात्विक अन्न, सात्विक मन, तो तन कैसा होगा फिर? तो तन कैसा होगा फिर सात्विक, तो भाग्य कैसा होगा? श्रेष्ठ। खुशी के लिए कहां जाना पड़ेगा? बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज। हमारी सोच से और कर्मों से बैटरी चार्ज होती है, और सोच बनती है इन्फॉर्मेशन। पहले मीडिया आया, फिर हमारे पास सोशल मीडिया आया। आज सारा दिन व्हाट्सएप पे देखो क्या क्या आता है, कोई मजाक लिख रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई किसी धर्म के बारे में बोल रहा है, कोई किसी नेता के बारे में बोल रहा है, कोई अभिनेता के बारे में बोल रहा है। लिखते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, और जितना हम पढ़ते जा रहे हैं हम वैसे बनते जा रहे हैं। विल पावर। व्हाट्सएप पे आए कोई ऐसा मैसेज, बिना पढ़े डिलीट, बिना पढ़े डिलीट। क्यों? ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। हम सिर्फ वो ही सुनेंगे और पढ़ेंगे जो सात्विक है, क्लीन। और अगर इन्फॉर्मेशन भी सात्विक, खाते हैं जो पीते हैं वो भी सात्विक, मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और जब नेगेटिव थॉट नहीं आएगी तो खुश रहना, खुश रहना बहुत बहुत सिंपल है। इट्स आवर चॉइस, सब कुछ अपनी चॉइस में है, कोई भी किसी और पे डिपेंडेंट कोई भी बात नहीं है। आज हम अपने एक कार्मिक अकाउंट को ठीक करते हैं, करें एक कार्मिक अकाउंट को ठीक, जहां पहले ब्लैक बॉल्स एक्सचेंज हो रही थी, आज हमारी तरफ से वाइट। एंड हमारी तरफ से वाइट मतलब हम उनके लिए जो सोच रहे हैं उसको वाइट करना है। कई लोगों के साथ हम बात अच्छा सा करते हैं, व्यवहार अच्छा सा करते हैं, लेकिन सोचते अच्छा नहीं है, तो हमारी सोच को वाइट करना है। कार्मिक अकाउंट चेंज, रिश्ता बदल जाएगा। थोड़ा सा झुके, झुकने से अहंकार, सोल पावर बढ़ती है। ये नहीं सोचना चाहिए कितनी बार मैं ही झुकू, क्यों मैं ही झुकू, क्यों झुकू, क्यों मैं झुकू, क्यों मैं झुकू, क्योंकि झुकने में, झुकने में, झुकने में हमारी शक्ति बढ़ती है। जो झुकते नहीं वो कैसे हो जाते हैं? जो झुकता नहीं वो इतना स्टिफ हो जाता है कि फिर अगर कोई परिस्थिति आई जिसमें उसको झुकना पड़ जाए तो वो टूट जाती है चीज, क्योंकि वो कभी झुकी ही नहीं होती है। इसलिए रोज झुकते रहना चाहिए थोड़ा सा, फिजिकली भी,
इमोशनली भी झुको, सॉरी बोल दो, खत्म कर दो, क्षमा कर दो, उन्होंने गलती की फिर भी खुद फोन कर दो, खुद प्यार से बात कर दो, झुको झुको झुको, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसी आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति आ गई, आत्मा उसको फेस कर लेगी। लेकिन जो झुका नहीं है जीवन में, उसके लिए फेस करना बात को बहुत मुश्किल है। इसलिए जो ऐसे आते हैं सामने, उनका भी शुक्रिया, आप आए तो हम झुके, आप आए तो हम झुके, आपके आने में हमारा फायदा हो गया, तो उनका भी शुक्रिया। उनके लिए भी व्हाइट बॉल, सारा दिन व्हाइट बॉल भेजते रहें और फरिश्तों की तरह उड़ते रहें, देवी देवताएं हैं ना। तो हम कलयुग से आए थे, अब हम वापस जाएंगे कौन से युग में? पक्का राइट, सतयुग में। हमारे लिए सतयुग विच मीन्स सामने से कोई भी बॉल आई, हमारे पास स्टॉक में कौन सा बॉल है? सिर्फ व्हाइट। अब इसको इजी करने के लिए, ताकि बाहर जाके वातावरण के प्रभाव से हम पर कोई असर ना पड़े, अगर हम रोज ज्ञान सुने थोड़ा सा, रोज आधा घंटा, और परमात्मा से कनेक्ट हो, हम मेडिटेशन करें रोज, तो फिर आत्मा के अंदर बैटरी में पावर भरती जाएगी, फिर ये सब कुछ करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप में से किस किस ने सेंटर पर आकर मेडिटेशन नहीं सीखा है? कभी कभी नहीं आए सेंटर पर मेडिटेशन सीखने के लिए? कोर्स रखेंगे कब? 12 से 14 मई। कौन सी डेट? 12 से 14 मई, मतलब कल ना, टुमोरो, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन सेंटर पर, 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स, रोज 1 घंटा सिर्फ, 2 टाइम ऑप्शंस, सुबह 8 से 9 या शाम को 5 से 6, दोनों में से कोई भी टाइम चूज करें, या तो सुबह 8 से 9 या शाम को 5 से 6 सेंटर पर आए। 3 घंटे का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, 3 days 1 hour each, 3 hour का इन्वेस्टमेंट, कल फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर बाय चांस ये वाला दिन सूट नहीं करता या ये टाइम सूट नहीं करता, तो कोई भी दिन कोई भी टाइम, एवरी मंडे से शुरू होता है, कोई भी दिन कोई भी टाइम सेंटर पर आकर बहनों से बात करके अपना टाइम फिक्स करें। वातावरण बदलता जा रहा है, कलयुग घोर कलयुग और घोर होता जाएगा, अंत होने से पहले ये अपनी एक्सट्रीम अति को पाएगा। ऐसी ऐसी चीजें होंगी समाज में जो मन कहेगा ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई कर सकता है। ऐसी बातें आज भी हो रही हैं, आने वाले समय में होती जाएंगी, क्योंकि कलयुग एक्सट्रीम पर जाकर फिनिश होता है। लेकिन उस कलयुग में रहते हुए अपने आप को बचाना, संभालना और इस सृष्टि पर सतयुग लाना, उसके लिए रोज 1 घंटा तो अपने लिए निकालना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हम तो प्यार से उसको क्रॉस कर लेंगे। तो कल परसों तरसों, फ्राइडे सैटरडे संडे, सुबह 8 से 9 या शाम को 5 से 6, दोनों में से कोई एक टाइम चूज करके सेंटर पर आए, इस मेडिटेशन को सीखें, कि परमात्मा से कनेक्ट हो, अपने अंदर ताकत भर, बैटरी को कैसे भरना है। आज से होमवर्क, क्विकली रिवाइज होमवर्क, क्या क्या करना है होमवर्क, क्या क्या करना है देना है? हाँ, दिया बनकर बाहर जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ देना है, वन होमवर्क। और दूसरा, व्रत किस चीज का करना है? चाहे कुछ भी हो जाए, हमने क्या नहीं करना? गुस्सा तो हम कर ही नहीं सकते, हम सत्योगी आत्मा है। और सामने से कोई भी बॉल आए, हमने कौन सी बॉल भेजनी है? व्हाइट बॉल। सामने से कैसा भी व्यवहार आए, हमारा व्यवहार, हमारी पर्सनालिटी, प्योर क्लीन। धन कमाएं दुआओं के साथ, अन्न खाएं सात्विक, सुबह सुबह इंफॉर्मेशन लें सात्विक, इतना सा कर लिया सत्योग आ जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। पहले हमारी दुनिया बदलेगी, फिर सृष्टि पर दुनिया बदलेगी, और देवी देवताएं, वो आत्माएं फिर से सृष्टि पर सब आ जाएंगे। नर ऐसी करनी करे जो नर से
नारायण नारी से लक्ष्मी बने, तो ये नर नारी कौन सी ऐसी करनी करेंगे जिससे नर से नारायण नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी मतलब कलयुग से सतयुग, कलयुग मतलब नर नारी, सतयुग मतलब लक्ष्मी नारायण, तो नर नारी कुछ ऐसा करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मतलब कलयुग में हम कुछ ऐसा करेंगे जो सतयुग लाएंगे, तो वो हम सबको मिलकर लाना है। आज का सारा दिन कैसा बीतेगा हमारा, अटेंशन किस पर, वाइट बॉल, दूसरे के व्यवहार का प्रभाव अपने ऊपर नहीं अपना प्रभाव, कोई कुछ भी करे क्षमा, प्यार से बात, झुकना, आगे पावर को बढ़ाते जाएंगे। चलिए सिट बैक, 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, कोई एक कार्मिक अकाउंट को आज सेटल करते हैं। आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम यहां से घर तक साइलेंस में चलेंगे, मौन, 15 मिनट का रास्ता होगा मैक्सिमम। मौन आत्मा की ताकत को बढ़ा देता है, और सब कुछ जो अभी ज्ञान भरा, 15 मिनट अगर साइलेंस में रहेंगे तो वो आत्मा के अंदर बिल्कुल डीप जाकर फिट हो जाएगा, और वो एनर्जी अपने साथ हम घर लेकर आएंगे। रेडी, 15 मिनट मौन, विल पावर, 15 मिनट मौन सबके अंदर। गाड़ी निकालेंगे, स्कूटर निकालेंगे फरिश्तों की तरह, फरिश्ते अननेसेसरली हॉर्न भी नहीं बजाते, वो फरिश्तों की तरह अपनी गाड़ी चलाते हैं, दुनिया बदल जाएगी। तो 15 मिनट हम मौन में रहेंगे घर चलने तक। सिट बैक कंफर्टेबल, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा, एनर्जी, लाइट, एनर्जी जो सोचती है, बोलती है, करती है, वो शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं दिव्य आत्मा हूं, डिवाइन सोल, देने वाली आत्मा हूं। दिया, दिया और दिया, हर एक जो है जैसा है मैं उनको स्वीकार करती हूं। आई एक्सेप्ट एवरी वन एज दे आर। आज के सारा दिन को देखें, अलग अलग लोग, अलग अलग व्यवहार, उन सब के साथ रहते हुए मैं सत्यों की देवात्मा हूं। देखें अपने आप को सबके साथ, स्टेबल, प्योर, पावरफुल, प्यार और सम्मान से भरपूर देने वाली आत्मा। उस एक आत्मा को सामने लेकर आए जिसके साथ के हिसाब किताब को आज हम बदलने वाले हैं, लेकर आए उनको सामने। वो हमारे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कभी ना कभी कुछ किया था। अभी इसी क्षण सबसे पहले उनसे क्षमा मांगे, पहले उनसे क्षमा मांगे। हम कभी ना कभी किसी जन्म में, पूर्व में हम कुछ करके आए हैं, उनसे क्षमा मांगे। आज वो जो हमारे साथ कर रहे हैं उसके लिए उनको क्षमा करें।
वी अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको क्षमा करें. आई फॉरगिव यू, क्षमा करें. सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा के पास है. मैं आत्मा प्यार से भरपूर हूं. ये प्यार और दुआएं उनको भेजें. देखें अपने आप से वाइट एनर्जी, प्योर एनर्जी, दुआएं उनकी तरफ जाते हुए. पास्ट खत्म हुआ, पुरानी बातें फिनिश्ड. कार्मिक अकाउंट आज से नया कार्मिक अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ प्यार, दुआएं. देखें अपने आप से वो पॉजिटिव एनर्जी, प्योर एनर्जी उन तक जाते हुए. मैं सत्यों की देव आत्मा हूं, मैं सत्यों की देव आत्मा हूं, देने वाली आत्मा हूं. मेरा संकल्प मेरा भाग्य बनाता है, मेरा संकल्प मेरी सृष्टि बनाता है. इसी साइलेंस में और इसी वाइब्रेशन के साथ हम उठेंगे, लेकिन मन एकाग्र रहेगा. अगले 15 मिनट हम इस साइलेंस में घर चलेंगे. ऐसे उठेंगे इस हॉल से जैसे यहाँ कोई बैठा ही नहीं है, फरिश्ते चल रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे को सहयोग देते हुए. देवी देवताएं हैं. उठते जाएं सभी बिल्कुल साइलेंस में. ऐसे बिल्कुल साइलेंस. साइलेंस आत्मा की ताकत को बढ़ा देता है. कोई भी कार्य शुरू करने से पहले 2 मिनट साइलेंस, कार्य पूरा होने के बाद फिर साइलेंस आत्मा में बल भरता है. कल से सुबह दिन की शुरुआत परमात्मा का ज्ञान लेकर आधा घंटा. फ्राइडे सैटरडे संडे हम सेंटर पर आएंगे इस ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए और मेडिटेशन को सीखने के लिए. सुबह 8 से 9 या शाम को 5 से 6. जो भी हम खाएंगे पिएंगे वो प्रसाद होगा. हमारे जीवन का लक्ष्य सबको सुख देना, दुआएं देना, दुआएं कमाना. आज सारा दिन हम दुआएं कमाएंगे, खुशी कमाएंगे. क्षमा करना नेचुरल है हमारे लिए. पुरानी बातों को भूल जाना नेचुरल है हमारे लिए.
चलते जाएं सभी। चलो, कोई भी रुकेगा नहीं, चलते जाएंगे।